एक IAS या IPS ऑफिसर बनना बहुत लोगों का सपना होता है, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं। अपने फिल्मों में अक्सर खूबसूरत एक्ट्रेसेस को IAS और IPS ऑफिसर का रोल करते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय प्रशासन में भी ऐसी बहुत बेहद खूबसूरत महिला ऑफिसर्स हैं जो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती। आज हम आपको हमारे देश की सबसे होनहार IAS और IPS महिला ऑफिसर्स से मिलवाने जा रहे हैं, जो हमारे देश में हो रहे अत्याचारों से भी ज्यादा कड़ी परिस्थितियों को संभाले हुई हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरिन जोसेफ। दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल करने वाली मेरिन जोसेफ ने 2012 में 25 साल की उम्र में किए गए पहले ही प्रयास में बाजी मार ली और अपने बैच की सबसे युवा IPS ऑफिसर बनी। वो केरल कैडर की सबसे कम उम्र की IPS ऑफिसर हैं। मेरिन का जन्म दिल्ली में हुआ था। इन्होंने भारत का गौरव विदेशों में भी बढ़ाया है। 2015 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित यूथ समिट में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। स्मिता सभरवाल। यह है बेहद कम उम्र में IAS की परीक्षा पास करने वाली स्मिता। स्मिता साल 2001 में IAS ऑफिसर बनी जब वो सिर्फ 23 साल की थी। स्मिता ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्हें ऑल इंडिया रैंकिंग में चौथा स्थान मिला था। स्मिता लोगों के बीच पीपल्स ऑफिसर के नाम से जानी जाती हैं और वो पहली महिला IAS ऑफिसर हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया है। उनके पति डॉक्टर अकुन सभरवाल भी एक IAS ऑफिसर हैं। संयुक्ता पराशर। असम की पहली महिला IPS ऑफिसर संयुक्ता 2006 बैच की IPS ऑफिसर हैं। संयुक्ता ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। संयुक्ता एक बच्चे की माँ भी हैं। उनकी 2008 में पहली पोस्टिंग तिनसुकिया के माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई थी। कुछ समय बाद उन्हें उदालगुरी में हुई बोडो और बांग्लादेशियों के बीच की जातीय हिंसा को काबू करने के लिए भेजा गया, जहां वो बोडो उग्रवादियों के खिलाफ लड़ी भी। चंद्रकला। यूपी के बुलंदशहर की DM चंद्रकला सिविल सर्विस एग्जाम में 409वीं रैंक से आगे बढ़ी थी। 2008 बैच की इस IAS ऑफिसर का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। चंद्रकला एक ट्राइबल फैमिली से नाता रखती हैं। अक्सर अपने तेज तरार अंदाज के कारण ये खूबसूरत IAS ऑफिसर चर्चा में रहती हैं। उन्होंने हैदराबाद के कोटी वेमेंस कॉलेज से BA किया था। स्तुति चरण। जोधपुर की रहने वाली IAS स्तुति को 2012 में सिविल सर्विस एग्जाम में 3rd रैंक मिली थी और उनकी इस कामयाबी में परिवार का बड़ा हाथ रहा था। स्तुति ने दिल्ली के IIPM से मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और जोधपुर यूनिवर्सिटी से BSc किया है। स्तुति पहले बैंक में काम करती थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन देश की पहली ऐसी IPS अधिकारी हैं जिन्हें किसी राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाया गया। 1973 बैच की IPS अधिकारी कंचन ने इस लिहाज से इतिहास बनाया है। कंचन साल 1973 से लेकर 2007 तक IPS ऑफिसर रहीं। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था और उनको राष्ट्रपति पदक से और राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी होनहार ऑफिसर सबसे अच्छी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।